अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। घेगांव में आधा किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आगाज। समीप ग्राम घेगांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आगाज आज विशाल एवं ऐतिहासिक आधा किलोमीटर लंबी कलश व श्रीमद् भागवत जी की शोभा यात्रा के साथ हुआ। उक्त विशाल आयोजन ग्राम वासियों के सहयोग से किया जा रहा है। कलश यात्रा की प्रमुख विशेषता यह थी, अलीराजपुर से आया आदिवासी महिला पुरुषों का नृत्य दल अपनी पारंपरिक वेशभूषा में एक अलग अंदाज में मनमोहक नृत्य के साथ कलाबाजियां भी पेश कर रहा था। यात्रा में घेगांव सहित दूर दूर से हजारों महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। यात्रा में ग्राम की कन्याएं व महिलाएं पीली वेशभूषा में सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थीं। वह कथा के मुख्य जजमान माणक पाटीदार अपने परिवार सहित श्रीमद् भागवत को सिर पर धारण किए हुए चल रहे थे। यात्रा का पूरे ग्राम में जगह जगह पुष्प वर्षा से ग्राम वासियों द्वारा स्वागत किया गया। यात्रा स्थानीय शिव मंदिर से ढोल ताशे पर प्रारंभ हुई व इसका समापन कथा स्थल पर करीब 2 घंटे में हुआ। कथा स्थल परम पूज्य गुरुदेव प्रभु जी नागर द्वारा श्रीमद् भागवत जी की पूजा अर्चना कर 7 दिवसीय कथा पहले दिन शुरू की। दिव्याना न्यूज़ दीवार रिपोर्ट से गांव।